तो चलिए खबरों में बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। जी हां, अस्पतालों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, उनका जायजा लेने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल भी की गई है। आज दूसरा दिन है मॉक ड्रिल का। आपको बता दें लखनऊ की बलरामपुर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहे। लखनऊ के KGMU, लोक बंधु और लोहिया अस्पताल समेत 11 अस्पतालों में इस मॉक ड्रिल को फिलहाल किया जा रहा है। आज मॉक ड्रिल का दूसरा दिन है। प्रदेश सरकार अस्पतालों में इंतजामों को और बेहतर करने की तैयारी कर रही है और ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की लखनऊ से, जहां पर फिलहाल सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं और हालात बद से बदतर होते हैं तो उस दौरान क्या हमारे अस्पताल की व्यवस्था बेहतर है इन सबको संभालने के लिए। पटने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। शासन ने एक एक ऑफिसर को नोडल अफसर के रूप में सभी जिलों में नियुक्त किए हैं। कल शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आज बलरामपुर अस्पताल में स्वयं हमने मॉक ड्रिल का अपनी आंखों से निरीक्षण किया है, देखा है। एक मरीज को लाकर सभी उपकरणों को चुस्त दुरुस्त पाया गया है, हमने मरीज को भर्ती किया है। इस प्रकार मॉक ड्रिल करके हमने सभी उपकरणों को भी जांचा परखा है। हर चीज से निपटने के लिए सरकार तैयार है, हॉस्पिटल्स में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, जो कि फिलहाल लखनऊ में मौजूद हैं और मॉक ड्रिल का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा था और अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल्स फिलहाल कोरोना की तैयारियों को देखने के लिए, जायजा लेने के लिए की जा रही है।